और बिहार में विकास के मुद्दे पे कांग्रेस और जदयू आमने सामने हैं। जदयू सांसद दुलाल गोस्वामी ने नीतीश सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया है और उस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद तारिक अनवर ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो विकास होना चाहिए था वह कहीं दिख ही नहीं रहा है। इतना लंबा समय मिलने के बावजूद सरकार उद्योग के क्षेत्र में कोई विकास नहीं कर पाई है, जिस कारण आज पूरे बिहार के साथ साथ खासकर सीमांचल इलाकों से रोजगार के तलाश में अन्य प्रदेशों में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। तो हमको नहीं लगता है 15 साल, हमने हमेशा इस बात को कहा है कि 16 साल 15 साल, इतनी लंबी अवधि तो किसी को मिली ही नहीं। और इतनी लंबी अवधि मिलने के बाद भी अगर बिहार का कल्याण नहीं होता है, बिहार अभी भी बीमारू राज है, तो फिर उनकी तारीफ किया जाए या बुराई किया जाए समझ में नहीं आता। हम ना कोई उद्योग लगा हमारे प्रदेश में 16 साल में, ना कोई ऐसा काम हुआ। आज भी पलायन सबसे ज़्यादा अगर कहीं होता है तो वो बिहार से होता है। तो क्या दावा करते हो, किस बात का दावा करते हैं कि बिहार आगे बढ़ रहा है? वो नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। हम उनसे आग्रह करते हैं कि बिहार में, और ख़ास करके बिहार में तो बहुत कुछ हुआ, कटिहार में बहुत कुछ हो रहा है। आज से 4 साल 5 साल पहले कटिहार में 1 4 लेन रोड नहीं था, कटिहार साहिबगंज का कोई कल्पना नहीं था। आज से 10 साल पहले कटिहार कैसा था। हम निमंत्रण देंगे कि मनिहारी साहिबगंज ब्रिज बन रहा है, एक बार मीडिया के साथियों के साथ जाकर के विजिट करें, बन रहा है कि नहीं। कटिहार के बगल से, कटिहार नारायणपुर से जो उदामा रेखा चिलमारा सुर तुलसी कॉलेज दलन होकर के 4 लेन सड़क बन रहा है, वो बन रहा है कि नहीं, आपको साथ जाकर के एक बार देखिए। तो कटिहार बिहार की तो विकास का काम हो रहा, 4 लेन किसके लिए बन रहा है, ये डेवलपमेंट नहीं है क्या? और इंडस्ट्री उद्योग सारा चीज़ का स्वरूप बदला है। जब ये कम्युनिकेशन मजबूत हो जाएगा तो बनेगा। आज पूर्णिया में जाइए, कटिहार पूर्णिया के बीच जाइए, छोटा छोटा इंडस्ट्री उद्योग लग रहा है, काम हो रहा है, 4 लेन बनेगा, काम हो।